जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नॉर्थ ईस्ट हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारी है, नॉर्थ ईस्ट हमारी है, नॉर्थ ईस्ट हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारी है, सामने 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 हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारी है, नॉर्थ ईस्ट हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारी है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का डंका जो है वो बजा है, और तीन राज्यों में जो चुनाव अभी हाल ही में हुए थे, जो नॉर्थ ईस्ट की सीट्स जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ये जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कामों की जीत है। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और वहीं नागालैंड में और मेघालय में गठबंधन सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, नागालैंड में तो इससे पहले भी गठबंधन में हमारी सरकार थी, और पहले से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने नागालैंड में जीत हासिल की है, और वहीं मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वहां भी गठबंधन सरकार बनती हुई नजर आती है। जो काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किए, जो गरीब मजदूर किसान, जो आम जनमानस, आम लोगों के लिए जो मोदी साहब ने काम किया, देश की जनता ने हृदय से नरेंद्र मोदी साहब का अभिनंदन किया है। और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां कभी किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी का सरपंच भी नहीं होता था, आज वहां कमल का फूल पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर खिला है, और हम देख रहे हैं पूरा देश इस खुशी में झूम रहा है। नॉर्थ ईस्ट की भव्य जीत, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होंगे, तो इसी प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किए गए विकास कार्य, अथवा जो जनमानस की भलाई के लिए काम किए जनता, उन कामों पर, उस विकास कार्यों पर वोट देगी। और जम्मू कश्मीर में भी जब यहां असेंबली इलेक्शंस होंगे, तो प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी साहब ने, चाहे वो किसानों के खाते में 6,000 हो, गरीब लोगों के गांव गांव में मकान बनाए, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम गांव में और शहरों में बनाए, गोल्डन कार्ड के जरिए हर इंसान जम्मू कश्मीर में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकता है, हर शख्स को मोदी साहब ने यह सहूलियत दी, फ्री राशन गरीबों को, फ्री वैक्सीन कोरोना को खत्म करने की ये मोदी साहब ने दी। आज हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवेज,
गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की देन है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, जो डेवलपमेंट के काम आज चल रहे हैं, लाजवाब काम यहां चल रहे हैं, हर शख्स का भला मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हमारे जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीरी, और फिर क्या गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों, रफूजी हों, बॉर्डर के लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, ओबीसी कैटेगरी के लोग हों, दलित समाज के हमारे भाई बंधु हों, समाज के हर तबके का भला मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में किया है। हर शख्स को उसका हक मोदी साहब ने दिया है, और मुझे विश्वास है कि जैसे त्रिपुरा में, नागालैंड में और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की आज जबरदस्त जीत हुई है, इसी तरह आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी, जब यहां असेंबली के इलेक्शन होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो मोदी जैसा हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।